प्रणाम। पूर्णिया का महारैली अब समाप्त हो चुका है और अभी हम लोग सड़क पर हैं और जो गिरजा चौक है आप देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे अब निकल रहे हैं और आपको बैनर भी दिखाई दे रहा होगा, प्रणाम पूर्णिया और पप्पू यादव जी हैं, कैची छाप है और लोग आ रहे हैं सबको ही। अब वहां से जो रंगभूमि मैदान है जहाँ पर मंच को सजाया गया था वहाँ से लोग निकल रहे हैं, अब घर की ओर जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि मोटा मोटी जो पप्पू यादव जी जो सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा वो हम आपको दो चार पांच बातें बताने जा रहे हैं जो उन्होंने वहां पर लोगों को बताया। सबसे पहले पप्पू यादव जी ने आते ही मंच से कहा कि हम पूर्णिया को पहले उपराजधानी का काम करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी पूर्णिया को उपराजधानी हम बनाएं। दूसरा उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हम यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि छोटा मोटा जब कोई फौजदारी हो या फिर दीवानी मामला हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा केस कुछ भी होता है, ऐसे में जब कोर्ट की नौबत आती है, केस का जब समस्या बढ़ जाता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, लोग दूर दूर तक जाते हैं, वैसे में एक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हम यहाँ कराने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो उन्होंने कहा, जो हमने मोटा मोटी वहाँ पर सुना वो चीज़ें हम आपको सामने रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि उद्योग धंधे के बारे में कि हम पूर्णिया में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे में हम बढ़ावा दें और लोग बाहर नहीं जाए, जैसे कि अभी देख रहे हैं वर्तमान में पूर्णिया के लोग बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं, बाहर कमाने के लिए जाते हैं, बसें ट्रेनों को भर भर के लोग बाहर जाते हैं, वैसे में पलायन को रोकने के लिए भी काम करेंगे, उद्योग धंधे को भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को भी दूर करेंगे और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो एयरपोर्ट का मुद्दा अब तक रुका हुआ है उनको भी जो कही गई थी 2024 में एयरपोर्ट का मुद्दा क्लियर हो जाएगा और हवाई यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगा, उनके बारे में उन्होंने कहे कि बहुत जल्द जब हम आ जाएंगे तो ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा और यहाँ पूर्णिया के लोग हवाई जहाज़ का यात्रा कर पाएंगे। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि जो आज दिन आप देखते हैं कि जब भी बाढ़ का समय आता है तो जो कोसी सीमांचल का जो क्षेत्र है पूर्णिया का, जब बाढ़ आता है तो पूरा एकदम इलाका डूब जाता है, फसल नुकसान हो जाता है, ऐसे में उन्होंने कहा कि हम इनके लिए भी काम करेंगे, डैम बनाने का काम करेंगे जिससे कि कोसी सीमांचल इलाका का जो क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित ना हो और किसानों को फायदा पहुंचे। मोटा मोटी ये चार पांच मुद्दा पप्पू यादव जी का था जो इस सभा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। बाकी अब ये प्रणाम पूर्णिया का महारैली समाप्त हो चुका है, लोग घर जा रहे हैं और आप लोग अगर पूर्णिया से हैं तो इस रैली के बारे में, पप्पू यादव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो स्टार कंप्यूटर चले आएं और सबसे कम कीमत पर अच्छे लैपटॉप को अपना बनाएं। स्टार कंप्यूटर आसाम और डुआर्स की ब्लेंड सुबीटी जो बनी है यहाँ के बागानों की खास चुनिंदा पत्तियों से, कई परीक्षण के बाद जुबीटी को आप तक पहुँचाया जाता है ताकि आपको मिले दमदार स्वाद और बेहतरीन स्वास्थ्य। जुबीटी, इसके हर घूंट में है जबरदस्त स्वाद और सेहत का साथ और इसका हर कप है ताजगी से भरा जो है एकदम कड़क। साथ ही इसका दाम भी है पॉकेट में फिट और ये है साइज में हिट। जुबीटी की टीम चाय पत्ती को बारीकी से टेस्ट करती है फिर आप तक आपकी पसंदीदा चाय आपके स्वाद अनुसार पहुंचाती है। जुबी चाय, तो आलस की बला को करो दूर, जुबी चाय पीकर ताजगी पाओ भरपूर। देर ना करे 9431638008 पर कॉल करके ऑर्डर करे। अपने करियर और अपने व्यवसाय को दें एक नई उड़ान बैंगलोर आईटी सॉल्यूशन के साथ, फायदे का मौका पाएं और कम बजट में बेहतरीन कंप्यूटर और लैपटॉप्स अपने घर ले जाएं। पता पूर्णिया जिला स्कूल अपोजिट पूर्णिया बिहार, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।